पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन देश भर की निगाह टिकी है उत्तर प्रदेश पर। सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या होगा उत्तर प्रदेश में। आज तक ने भी इस महाकवरेज के लिए महातैयारी की है, हमारे रिपोर्टर्स की एक फौज भी लखनऊ पहुंच चुकी है। क्या हो उनकी तैयारी, आप उन्हीं से सुनिए। आखिर किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश में सरकार, इसके लिए आज तक ने किए हैं पूरे इंतजाम। इस फ्लाइट में जो कि लखनऊ जा रही है, दिल्ली से शुरू हुई है, यहाँ पर 10 लोग मौजूद हैं आज तक की टीम के। अशोक सिंघल मौजूद हैं, बालकृष्ण मौजूद हैं, साथ ही आप देखेंगे जगमोहन हमारे सीनियर कैमरा पर्सन मौजूद है, और कई कैमरा पर्सन है, रीमा पराशर यहाँ पर मौजूद है, बहुत बार आपने देखा होगा इनको टीवी पर, आकाश बनर्जी मौजूद है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर अशोक सिंघल से। अशोक, बताए जो जुगाड़ तुगाड़ शुरू हो गए हैं, कैसा लग रहा है आपको, कौन होगा? बिल्कुल, सब पार्टियां सोनिया लग गई हैं जुगाड़ में। जिस दिन से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी पार्टियां एक दूसरे संपर्क में। बेशक वो ये कहें कि हम 6 तारीख का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी को सबसे आगे दिखाया गया है। तो अशोक, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं अब रिजल्ट आने में, एकदम से लोगों की जुबान बदलती हुई नजर आ रही है, बिंदी प्रसाद वर्मा का वो समाजवादी प्रेम शुरू हो गया है। बिल्कुल, जो पार्टियां पहले दावे कर रही थी कि हम बहुमत में आएंगे, हम सरकार बनाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इवन बीजेपी भी कह रही थी, और समाजवादी पार्टी तो दावा कर ही रही थी, लेकिन जैसे जैसे एग्जिट पोल आए हैं, तमाम चाहे वो न्यूज पेपर्स के हों, टीवी चैनल्स के हों, सब में समाजवादी पार्टी को ऊपर दिखाया गया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिखाई गई है। उसको देखते हुए तो लोगों की बोली बदल गई है, लोगों के अंदाज बदल गए हैं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। तो सोनिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कल का सबको इंतजार है कि क्या होता है, लेकिन उससे पहले पार्टियां अपने अपने कैलकुलेशन करने में लग गई है। और इस कैलकुलेशन की हर खबर आपको देंगे अशोक सिंघल, सबसे पहले सबसे तेज। लेकिन चलिए बालकृष्ण के पास आपको चलते हैं। बालकृष्ण, ये बताएं आप क्या करने जा रहे हैं, क्या कवर करें? देखिए, हम लोग सरकार बनने तक वहाँ की पूरी गतिविधि पर नजर रखेंगे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात सोनिया यह है कि आज तक शायद ही कोई ऐसा विधानसभा का चुनाव हुआ हो जिसमें इस तरह का हाइप हो, इस तरह का टेंशन हो, इस तरह के लोगों में उत्सुकता हो। खास बात, मजेदार बात यह है कि हर पार्टी कह रही है कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे, देखते हैं किसको किस तरह से चौंकाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि राहुल गांधी का कहीं ना कहीं फेलियर देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह का पॉम्प एंड शो था कि राहुल गांधी एक बड़े नेता बनके उभरेंगे यूपी में, कहीं ना कहीं चूक हुई, किसकी चूक मानते हैं? देखिए, अभी चूक कहना जल्दबाजी होगी सोनिया, लेकिन ये बात जरूर है कि राहुल गांधी ने इस चुनाव को लेकर जितनी ताकत लगाई है, आज से पहले उन्होंने कभी नहीं लगाई थी, और ये बात सही है कि अगर 50 सीटों से नीचे कांग्रेस होती है तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। झटका भी होगा, और जिसके लिए बेहतर होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको बताते हैं कि हमारे साथ जो कैमरा पर्सन है संजय चौधरी, पहले तो यही जान लेते हैं कि कितने इलेक्शन ये कवर कर चुके हैं, बताइए। मैं 15 से ज्यादा कर चुका हूँ, और इस बार जो है लग रहा है मुझे कि गॉड नोज पब्लिक क्या करेगी, बहुत मतलब बट ऐसी मामला। रमेश, आप बताएं कि आप कैमरे के पीछे रहते हैं, लेकिन इस बार यूपी इलेक्शन में क्या लगा आपको? देखिए, सरकार तो कोई बन सकती है, हमने वैसे ही बहुत सारी सरकारें बनती हुई देखी हैं, और उसमें दर्शकों को यकीन नहीं लगेगा कि इस बार भी इलेक्शन जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे तेज सिर्फ आज तक पर। और हाँ, जगमोहन है, जगमोहन के आप बाल देख कर समझ गए होंगे कि कितने सीनियर के हमारे कैमरा पर्सन है। ये बताएं जगमोहन की इस बार हाई वोटिंग हुई है यूपी में, आपको कैसा लगा इस बार का एक्सपीरियंस, और इस बार क्या तैयारी है आपकी? इस समय बहुत उनको चक्कर है दोनों का आपस में, बीजेपी समाजवादी पार्टी का भी थोड़ा है, कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ पर कौन बनेगा सीएम, ये आपको बताएंगे, आकाश बनर्जी मौजूद है हमारे साथ, आकाश बताएं। ये बात तो तय है कि अभी सीएम को लेकर भी बहुत सारी गतिविधियां अभी जारी है, सो वील कीप अ ट्रैक ऑन दैट। दूसरी चीज ये भी है, सीसी साहब कहते हैं कि यूपी इलेक्शंस जो प्री पोल है वो सब एंटरटेनमेंट चैनल के लिए रहना चाहिए। मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, क्योंकि हर कोई बंदा, हर टी स्टॉल, हर ड्राइंग रूम में यही सवाल है, और जब तक ना वो आंकड़े आ जाए हर कोई यही देखेगा, एंटरटेनमेंट और नो एंटरटेनमेंट। मैं तो कहती हूँ सस्पेंस जितना होता है एंटरटेनमेंट उतना ही होता है। आप बताइए, आप आज तक देखते होंगे, कैसा रहता? I am very delighted to see that Aaj Tak is covering the live report on the UP election analysis and maybe the results tomorrow. Absolutely.